नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी की और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेरिक मेडिसिन के बारे में। जेनेरिक दवा आज इंडिया में हर जगह छाया हुआ है, राइट। और हर एक सिटी, एक टायर वन हो, टायर टू हो, टायर थ्री हो, और विलेजेस में भी हम देख पाएंगे कि अभी जेनेरिक मेडिसिन की दवा दुकान जो है वो खुल रहा है और लोग उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आप एक वीडियो बनाए जेनेरिक मेडिसिन पे और इस चीज पे कि जेनेरिक मेडिसिन लेने से क्या उतना ही इफेक्टिव रहेगा जैसे कि ब्रांडेड मेडिसिन में आता है। तो इसके लिए आपको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, मैं क्या ध्यान से सुनेगा तो आपके लिए ही भलाई है इसमें। देखिए, वीडियो डॉक्टर्स को अच्छे नहीं लगेंगे, फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को अच्छा नहीं लगेगा, मगर फिर भी मैं फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी बना रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन मैंने भी ट्राई किया, कुछ मेडिसिन मैंने ट्राई करके खुद देखा, उसका इफेक्टिवनेस चेक किया, उसके बाद ही वीडियो बना रहा है। देखो, पहली दफा है कि कोई भी मेडिसिन को अगर जज करना है तो तीन पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आप जज करोगे। एक होता है, सो इसको बोलते हैं QES, क्यू फॉर क्वालिटी, ई फॉर इफेक्टिविटी और एस फॉर सेफ्टी। इस तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी, इफेक्टिविटी और सेफ्टी। अब पहली दफा पहली चीज बात कर लेते हैं, वो है क्वालिटी, मेडिसिन की क्वालिटी। नॉर्मल मेडिसिन, मतलब जो ब्रांडेड मेडिसिन है, जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग कंपनियां जैसे कि सन फार्मास्यूटिकल हो गया, सिप्ला हो गया, सानोफी हो गया, एबॉट हो गया, टोरेंट फार्मास्यूटिकल हो गया, ऐसे सैकड़ों अलग मेडिसिन कंपनी, दवाई कंपनियां जो मेडिसिन बनाता है वो है ब्रांडेड मेडिसिन। और जेनेरिक मेडिसिन मतलब जिसको कोई पर्टिकुलर ब्रांड ने नहीं बनाया है, जो कि नॉर्मली वही कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट रहता है जो कि ब्रांडेड मेडिसिन में रहता है, नाम वैसे कोई अलग नहीं होता है, सिर्फ मेडिसिन की सॉल्ट के नाम से इसको पुकारा जाता है, कोई अलग से नाम नहीं दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि एसोमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल एक एंटासिड के तौर पे यूज किया जाने वाले मेडिसिन है, दवा है। एसोमेप्राजोल के एग्जांपल नेक्सप्रो एग्जांपल है, तो नेक्सप्रो यूज करते हैं हम, नेक्सप्रो एक एसोमेप्राजोल आता है नेक्सप्रो में। अब नेक्सप्रो एक पर्टिकुलर ब्रांड की मेडिसिन है, वहीं एक दूसरे नॉन ब्रांडेड मेडिसिन आपको मिलेगा जिसको लिखा होगा एसोमेप्राजोल मेडिसिन, एसोमेप्राजोल 20, यहाँ पे हो रहा है नेक्सप्रो 20। अब दोनों को आप कंपेयर करोगे तो वहां पर एसोमेप्राजोल लिख के आएगा, यहाँ पे लिख के आएगा नेक्सप्रो। सो नेक्सप्रो किसी और कंपनी सेम मेडिसिन को और नाम से बेचेंगे। तो यहाँ पर अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी में खैर कोई डिफरेंस आता है या नहीं ये चीज, अब देखो जनरल ऑडियंस के लिए एक बात चीज क्लियर करते थे, क्वालिटी की बात करें तो ये सारे मेडिसिन बना कौन है, राइट। अगर हम बात करें सन फार्मास्यूटिकल, बात करें सिप्ला की, बात करें टोरेंट फार्मास्यूटिकल की, बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनियां वो खुद के मेडिसिन बना रहे, फैक्ट्रीज है वहां पर तैयार हो रहा है, उनके नाम पर ब्रांडिंग हो रहा है। और दवा एक ऐसा चीज है जो आप खुद ऐसे चुपके चोरी चुपके नहीं बना सकते, इसके लिए हजारों गवर्निंग बॉडी है इंडिया में बैठे हुए हैं, वो इसको हर एक स्टेप को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। वही गवर्निंग बॉडी जो नॉन ब्रांडेड मेडिसिन है उसको भी चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि नॉन ब्रांडेड मेडिसिन हो तो कोई भी जगह पे ऐसे फैक्ट्री डाल लिया कोई बना रहा है, नहीं नहीं होगा, नहीं कर सकते। ये लीगली करना है तो आपको उसको भी अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेफ बोर्ड आना है, सेम गवर्निंग बोर्ड और बॉडीज जो है इंडिया में, दोनों को ही रेगुलेट करता है। तो क्वालिटी की क्या सवाल है, क्वालिटी के सवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों जगह पे ही सेम, क्योंकि सरकार का खर्चा ही है, सरकारी खर्चा कहाँ से आता है, हमारी जेब से आता है, जो टैक्स पेयर है उनके जेब से आता है। तो सरकार अलग से कुछ, सरकार को नहीं मिल रहा है कि प्राइवेट कंपनी से कुछ अलग ले लिया जो कि जेनेरिक मेडिसिन से नहीं ले पाएंगे, तो उनको तो कुछ आता जाता नहीं है, दोनों जगह एक ही तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। तो क्वालिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वालिटी एकदम सही है दोनों में। सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिविटी। अब यहाँ पे जाके लोगों को एक कॉन्सेप्ट आता है कि इफेक्टिविटी, बहुत से लोगों का कहना है कि मैंने ऐसे खरीदा था ऐसे दवा जेनेरिक, ठीक से काम नहीं किया, और जेनेरिक मेडिसिन मैंने किया फिनिशिंग ठीक नहीं, मतलब अब देखोगे कुछ कुछ जेनेरिक में, मैं भी देखा जेनेरिक मेडिसिन उसका जो कलर यूज किया गया है, उसका जो फिनिशिंग है, शायद वो उतना अच्छा नहीं हो रहा है जैसे कि बाकी ब्रांड्स का हो रहा है, वो ज़्यादा ग्लॉसी है, वो ज़्यादा क्या करें, ज़्यादा अपीलिंग है। और उसके उसका कारण भी अगर आप कंपेयर करोगे जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में, आप 100% तक का डिफरेंसेस आ जाता है वहाँ पर, मतलब अगर 5 रुपये दाम होता है जेनेरिक मेडिसिन का तो ब्रांडेड का 100% ज़्यादा 10 रुपये दाम हो जाता है, बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है बॉस।
इतना डिफरेंस होता है तो उसमें अगर इफेक्टिविटी भी, अब लोग बोलते हैं इफेक्टिविटी शायद नहीं होता है, देखो इसका दो मात्रा है, लोग को ऐसा है ना कि एक ब्रांडेड है, आज तक खा रहे थे लोग हम उस चीज को, और उस ब्रांडेड मेडिसिन को कौन एंडोर्स करता है, डॉक्टर्स एंडोर्स करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण खेल गेम, अब समझ लो, बहुत से लोग को पता है बहुत से लोग को नहीं पता है, एक गेम क्या है। देखो कई भी चीज, किसी भी चीज को आप खरीदने जाते हो तो उसका जो मार्केटिंग है ना दो प्रकार का होता है, एक तो B2B होता है, एक B2C होता है, एक तो डायरेक्टली कस्टमर को बेचना, एक तो होता है बिजनेस को बेचना। तो ये जो खेल है ऑफ लाइक मेडिसिन, दवा बिकता है वो B2B टाइप का ही बिकता है, मतलब आपके पास आके कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कोई भी कंपनी से आके नहीं कहता आप दवा खरीद लो, और लोग कहे क्यों, दवा हमको थोड़ी ना पता होगा, डॉक्टर जो बोलेंगे जिस दवा लेने को हम लेंगे, इसी बात का फायदा वो लोग उठाते हैं। और इसीलिए डॉक्टर्स, सैकड़ों डॉक्टर्स है, हजार ऐसे फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि आप सर हमारा दवा लिखिए, इसके लिए आपको इतने परसेंट हम देंगे, कैश रिवार्ड्स दिया जाता है, टूर एज ए रिवार्ड्स दिया जाता है, उनकी चिल्ड्रन की एजुकेशन की व्यवस्था किया जाता है, और भी बहुत सारे वाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट चीज़ें किया जाता है, जिससे कि डॉक्टर कंपेल होके वही ब्रांड की दवा लिखते हैं। अब मान लो कि जेनेरिक मेडिसिन में वो 5 रुपये में अवेलेबल है, उस ब्रांड के प्राइस है उस मेडिसिन का 14 रुपये, तो डॉक्टर लिख देगा 14 रुपये वाला मेडिसिन। अब आप जब जाओगे प्रेस्क्रिप्शन लेके तो एक जो स्टोर है, स्टोर ओनर बोलेगा जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा है वही दवा उनको देना है। और सिर्फ ये डॉक्टर तक सीमित नहीं है, जो दवा लेके आप, दवा लेने के लिए आप जा रहे हो जिस शॉप पे, वहां पे भी उस कंपनी आके, क्योंकि नियर आपके नज़दीक में 10 डॉक्टर बैठता है, 10 डॉक्टर के आसपास 30 ऐसे स्टोर्स है हर जगह पे, वो अपने मेडिसिन डाल देगा ताकि वो मेडिसिन वहाँ पे मिले, तो वो आपको तुरंत वो मेडिसिन दे देंगे, आप लेके आ जाओगे, खा जाओगे और ठीक भी हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर मेडिसिन गलत लिख रहे, बिल्कुल नहीं, मेरे बोलने के बात को गलत मत समझना, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेडिसिन सही है, बिल्कुल सही है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर, दे आर क्रेडिबल डॉक्टर्स, बट वो जो लिख रहे हैं बिकॉज दिस इज यू नो इट्स अ पार्ट, लोगों को देखना है ठीक कर रहे हैं, ये तो पहली दफा पहली चीज़ है, उसके साथ साथ बिजनेस भी चलाना है, दो चीज़ है, दोनों ही चीज़ को आप डॉक्टर कर रहे हैं, एक तो है नॉर्मली लोगों को सेवा करना, दूसरा चीज़ है बिजनेस करना, दोनों ही चल रहा है, मैं नहीं कर रहा सिर्फ एक चल रहा है, दोनों चीज़ चल रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब वो जो प्रेस्क्रिप्शन दिया गया है 14 रुपये वाला मेडिसिन ले और यहाँ पर 5 रुपये वाला मेडिसिन ले, तो आपको ये हो जाता ना कि आप हर वक्त प्रिस्क्रिप्शन देख के मेडिसिन लाते थे, खाते थे, ठीक होते थे, अब जेनेरिक मेडिसिन ले लिया, वो फार्मेसिस्ट आपको दिया, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर के कोई खेल नहीं है, डॉक्टर का खेल नहीं, इसीलिए तो वो सस्ता है, क्योंकि 5 रुपये वाला मेडिसिन ही है भैया, वो मेडिसिन भी वही रुपये लगता है बनाने में, या शायद 1-2 रुपये ज़्यादा लगता है, मगर उसका प्राइस क्यों हाई होता है, क्योंकि एक ब्रांडिंग चल जाता है, जितना बड़ा कंपनी उतना ज़्यादा बड़ा ब्रांडिंग। डॉक्टर्स को 7-स्टार होटल्स में रखा जाता है, सिर्फ डॉक्टर्स को ही नहीं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो टारगेट मैच करते हैं उनको रखा जाता है, उनको उस टारगेट मैच करने के लिए रिवार्ड दिया जाता है, फॉरेन टूर करवाया जाता है, ये सारे खर्चा कहाँ से आएगा, सब जुड़ जाता है आपकी दवाई पे, दवाई का कॉस्ट जो है बढ़ जाता है, और इतना दवाई का कॉस्ट बढ़ जाता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अभी जाके आप जब जेनेरिक मेडिसिन लेंगे तो ना उसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना उसमें कोई आपका डॉक्टर इन्वॉल्व है, तो इसलिए प्राइस कम है, मगर उसमें आप किसके ऊपर डिपेंड करोगे, आप पूछ सकते हो ना कि इसमें हम किसके ऊपर डिपेंड करें, डॉक्टर से नहीं पूछेंगे कि जेनेरिक ले ले, डॉक्टर कहेगा नहीं लेना है, मैंने जो लिखा वही लेना है, तो आप क्या करेंगे। जनरल जो आम आदमी है वो तो बहुत ही यहाँ पर सेल्फ लाइक हेल्पलेस है, वो जाके आप क्या करेंगे, वो जाके अब जहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन मिल रहा है, जैसे कि इंडिया में दवा इंडिया वगैरह वगैरह और कुछ है, वहाँ पे जाके अगर आप ढूंढेंगे जेनेरिक मेडिसिन कौन प्रेस्क्राइब करे, कौन देगा आपको, दुकान का जो स्टोर पर्सन है वो देगा, वो फार्मेसिस्ट हो सकता है, फार्मेसिस्ट के असिस्टेंट हो सकता है, वो प्रोवाइड करेगा आपको, तो एक ट्रस्ट इशू आ जाता है कि वो क्या चीज़ दे रहा है, वो सही है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोगों का एक होता है कि यार महंगा चीज़ था तो अच्छा था, अधिक कम वाला चीज़ ले लिया शायद काम नहीं करेगा, इस वजह से ये एक प्लेसिबो है, इस वजह से ये इफेक्ट काम होता है, ये इफेक्ट की वजह से लोग सोचते हैं कि शायद इफेक्टिविटी कम है, कुछ हद तक हो सकता है, कुछ कुछ मेडिसिन में कम शायद हो भी सकता है, मगर इफेक्टिविटी में एक क्वेश्चन मार्क है, जो QES बोल रहे थे, क्वालिटी में कोई नहीं है, इफेक्टिविटी में शायद हो सकता है, लोगों का कहना भी है कि कुछ हो रहा है इफेक्टिविटी में, इफेक्टिविटीनेस, पर मैं ये कहता हूँ अगर इफेक्टिविटी 80% भी हो, 75% भी हो, फिर भी जो प्राइस डिफरेंस आता है उससे कम चलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आखिरी चीज़ जो है सेफ्टी, कितना सेफ है जेनेरिक मेडिसिन।
अब ये चीज तो फार्मासिस्ट के तौर पे, डिप्लोमा फार्मासिस्ट तौर पे बताया या फिर कुछ और तौर पे बताया आपको, ये जो मेडिसिन है ये अगेन वही जो इंडियन गवर्नमेंट सेट गाइडलाइंस है वो सारा गाइडलाइंस पास करके आता है। ये जहाँ पे तैयार होता है वो भी अंडर प्रोटोकॉल है, उसको भी एक SOP फॉलो करना होता है, वो भी अंडर इंडियन मेडिकल बोर्ड, जो भी ड्रग रेगुलेटरी लेजिस्लेशन है उसके अंदर आता है। तो कोई भी अगर कुछ गलती करे तो उसका सजा उसको मिलता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी तरीके से मेडिसिन बना के भेज दे, नहीं, पैकेजिंग भी ठीक ठाक करना होता है सब कुछ, और एक्सपायरी भी ठीक से करना है ये सब। अब ये सब चीज़ देखें तो सेफ्टी के तौर पे भी ये सेफ ही है। तो इन्हें कंपैरिजन अगर आप देखें, लोगों का ये बात होता है ना कि इंडिया में आ रहा है दवाई अभी इतना दिन बाद, जेनेरिक मेडिसिन नहीं लेंगे, क्या होगा, क्या चीज़ होगा, काम नहीं कर रहा है। आप USA में देखो, हम तो सब कुछ USA से कॉपी करते हैं ना, आज के ज़माने में हर कोई USA को कॉपी कर रहा है। USA में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है जेनेरिक मेडिसिन को, क्योंकि वहाँ का हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है, इंडिया का हेल्थ केयर भी बहुत एक्सपेंसिव है, बट कंपेयर टू दैट देयर हेल्थ केयर इज़ वेरी वेरी मच एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव कि कमर तोड़ जाएगा वहाँ, तो उतना एक्सपेंस है। इसलिए वहाँ पे फार्मेसिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट द्वारा ये जो मेडिसिन दिया जाता है जेनेरिक मेडिसिन, बहुत ज़्यादा फोकस किया होता है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ब्रांडेड मेडिसिन, वो जाके ये मेडिसिन ले सकते हैं। मगर मेरा खुद का ये मानना है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि जेनेरिक मेडिसिन बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, मगर इसको अगर परफेक्टली अचीव करना है तो सेफ्टी के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा होता है ना कि अभी क्या अगर देखें, मेरे विदिन 1 किलोमीटर रेडियस मेरे हिसाब से आई थिंक 15-20 तो मेडिसिन के शॉप है यहाँ पर, तो उस 15-20 शॉप पे मैं जाऊंगा तो हार्डली एक या दो बंदा मिलेगा जो फार्मेसी क्वालिफाई है, जिनको लाइसेंस, बाकी का नहीं, वो मेडिसिन शॉप खोल के बैठा है। तो अगर जेनेरिक मेडिसिन शॉप में भी ऐसे लोग बैठे हैं तो जाके प्रॉब्लम हो सकता है। इंडिया में यही प्रॉब्लम है, इंडिया में इतना पॉपुलेशन है कि लोग सब सारी चीज़ को केयर नहीं करते हैं, वो जज नहीं, मतलब सबको जांच नहीं कर सकते, सब जगह जगह जाके रियली जेनेरिक मेडिसिन अगर कोई दे रहा है तो एक फार्मेसिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट दे रहा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी वो दे रहा है, या फिर रिलेटेड टू फार्मेसी दे रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो ट्रेन इन फार्मेसी हो, या फिर 6 महीने का कोई भी एक ऐसा ट्रेनिंग जिससे उनको इस पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेन किया गया है वो प्रोवाइड कर रहा हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्योंकि और कोई है नहीं जो आपको बताएगा कि इसके बदले में ये ले लो, इसके बदले में ये ले लो, राइट। और ये सारी चीज़ अगर देख के आप जेनेरिक मेडिसिन खरीदते हो, ठीक जगह से खरीदते हो, एक्सपायरी देख के खरीदते हो, तो यूटिलाइजेशन ज़रूर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वही सेफ्टी वही क्वालिटी के साथ आता है। इफेक्टिवनेस हालांकि बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, मगर बाकी की चीज़ आई थिंक इज द सेम। तो जेनेरिक मेडिसिन मेरे तरफ से तो हाँ है अभी के लिए, जैसे इस जेनेरिक मेडिसिन को रेगुलेट किया जा रहा है। देखो वो बाकी कंपनियां नहीं चाहेगा जेनेरिक मेडिसिन ग्रो करे, तो वो इसका नेगेटिव साइड निकाल के आप लोगों को प्रमोट करेंगे, उनके पास बहुत पैसा है, प्रमोट करेंगे, करने दीजिए। आप खुद ट्राई करके देखो ना, अगर आप रेगुलरली कोई मेडिसिन ले रहे हो, हर महीने ले रहे हो, आप 2 ब्रांडेड ले लो, 1 जेनेरिक ले लो, जेनेरिक खा के देखो, अगर काम कर रहा है भाई तो कर रहा है। अब उसको ठीक साथ देखने के लिए आप ऐसे मत करो, मतलब मिक्स कर दो मेडिसिन को लेकर, ऐसे सोचने मत दो कि कौन सा जेनेरिक है कौन सा ब्रांडेड है, आप देखो कि काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि कल से मैं जेनेरिक ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो शायद आपको कुछ गलत फहमी हो जाए। तो उस हिसाब से आप मिक्स करके ट्राई करके देखो, अगर इफेक्टिविटी सही है, जो रेगुलर मेडिसिन है मैं ये बोल रहा हूँ, वहाँ पे आप जेनेरिक मेडिसिन अभी स्विच कर सकते हो, मगर जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो मेरे हिसाब से अभी तक इंडिया में जैसे रेगुलेशन चल रहा है ठीक, अभी कुछ और रेगुलेशन आना बाकी है, उस हिसाब से ब्रांडेड ठीक है। अगर क्योंकि ब्रांडेड में बहुत ज़्यादा दवा और प्रेशर रहता है यहाँ पर, तो ब्रांडेड सही रहेगा जो एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, कुछ इमरजेंसी केसेस हो गए सिचुएशन पे, अदरवाइज आप जेनेरिक मेडिसिन पे रेगुलर मेडिसिन के लिए शिफ्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट जेनेरिक मेडिसिन इन इंडिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले। थैंक यू, बाय।